थिरिया निजावत खां में नूरी लंगर कमेटी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर कस्बे के सभी हाफिज हजरात को कमेटी की तरफ से गिफ्ट बांटे गए। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। नूरी लंगर कमेटी वैसे तो लंगर कमेटी है, लेकिन समाज और दीन से जुड़े हर काम को बखूबी अंजाम देती रहती है। नूरी लंगर कमेटी के सदर गौहर अली खान ने बताया कि हमारी कमेटी समय समय पर दीन की खिदमत और समाज की सेवा के काम हर साल करती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के मौके पर हाफिज इलियास की सदारत में कस्बे के तमाम हाफिज हजरात को गिफ्ट तकसीम करके हौसला अफजाई की गई। गौहर खान ने आगे बताया कि पिछले 30 साल से जुलूस ए मोहम्मदी थिरिया में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाला जाता है और आज भी निकल रहा, लेकिन अगली साल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इंशाल्लाह कमेटी की तरफ कुछ बड़ा काम किया जाएगा, उसके लिए अभी से कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। गौहर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हुजूर की आमद के मौके पर थिरिया निजावत खां को लाइट की रोशनी से सजाया गया और इस मौके पर तमाम जगह जुलूस निकालकर और लंगर का कस्बे में जगह जगह एहतिमाम करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर सदर गौहर अली खां, हाफिज इलियास खां, रौनक अली, मौलाना मकसूद, मौलाना काले खां, असगर खान, मंजूर खां आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब अली खां है। मैं अंजुमन मोहब्बान मुस्तफ़ा थिरिया निजावत खां का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज 11 रबीउल अव्वल 27 सितंबर 2023 को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंजुमन मोहब्बान मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम थिरिया निजावत खां से निकाला जा रहा है, जो आज रात 10:30 बजे शुरू होकर सुबह सादिक पर ख़त्म होगा। हमारा ये जुलूस लगभग 30 से 35 साल हो गए। ये हम लोगों ने एक पहल की थी 30-35 साल पहले, सन 1992 में मैंने और गौहर भाई ने, कि हम लोग जो पहले अलग अलग निकालते थे सब लोग, कि सारी अंजुमनों को इकट्ठा किया जाए और इस जुलूस को एक बना के निकाला जाए, जिससे कि जो रोड पे अफरा तफरी का माहौल है वो भी ख़त्म हो गया है और एक पुरसकून तरीके से सारा जुलूस यहाँ साबरी स्कूल पे इकट्ठा होता है और यहाँ से परंपरागत रूप से हुसैनी मस्जिद नरियावल तक जाता है और उसी रूट से वापस आ जाता है। गौहर साहब, ये जो आज 11 रबीउल अव्वल को जो जुलूस निकालते हैं आप रात को 10:30 बजे से और सुबह उस वक्त जब सरकार की आमद का वक्त होता है, इस प्रोग्राम को किस तरह से आप लोग तय किए हैं और किस तरीके से आपको ये ख्याल आया कि इतना लंबे समय तक जुलूस चलना चाहिए? ये हुजूर का मेन टाइम जो है वो सुबह 7 बजे के वक्त है और ये हम चाहते हैं के वादमी शरीफ पे हम अच्छा बेहतर से बेहतर काम करें और इस पे आने वाले साल में हम और अच्छे स्कूल वगैरह खुलवाएंगे इस दिन के लिए। और हमारी ये दोनों कमेटी मिलकर 30 साल से काम कर रही हैं और इसकी सदारत एहसन मियां आके करते हैं और ये TTS की तरफ से भी है, नूरी लंगर की तरफ से भी है और ये पश्चिम मौले कादरी मस्जिद की तरफ से भी, ये पूरे अहले बस्ती की तरफ से हमारा मतलब पूरे थिरिया निजावत खां का मुश्तरका जुलूस यही मुश्तरका जुलूस, बड़ा जुलूस सबसे यही है, यही से स्टार्टिंग हुई कादरी मोहल्ले से। इसमें कितनी अंजुमनें शामिल होती हैं? इसमें अंजुमनें होती हैं 12 मस्जिदों की, हाँ, और मदरसे होते हैं और तमाम जितने इस इलाके के गांव हैं सबके लोग आते हैं यहाँ पर शामिल होने के लिए। जिस सादगी के साथ बिना DJ के आज हम देख रहे हैं कि आपके जुलूस की तैयारी चल रही है, क्या ये इस बार किया है या हमेशा इस तरह? ये आला हजरत का मिशन है कि DJ ना हो, गदर ना हो, आला हजरत का और पाक का वो सिस्टम है कि कोई गदर ना हो, इंसान काम है। अगर हम गदर करेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या, हमारे लोग कहाँ जानेंगे ये इस्लाम वाले। बरेली में जो जुलूस निकलेगा पुराने शहर में और कल नए शहर में जो जुलूस निकलेगा, उन अंजुमनों के लिए आपका उनसे ये अपील है, दरगाह आला हजरत का हुक्म और हमारा उसकी फरमा बरदारी करें। DJ से बाल होता है और गदर होता है, कोई पैगाम नहीं होता है और पैसा भी हमारा बर्बाद होता है।